दोस्तों नमस्कार। तो ये रहा एक स्मार्ट टीवी, और अगर आपके पास में स्मार्ट टीवी नहीं है तो आप उसे स्मार्ट बना सकते हो, यानी कि एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो टीवी था मैंने कुछ 4 साल पहले बाय किया था, लेकिन अभी ये स्मार्ट नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर प्ले सर्विसेज काम नहीं करती। कंपनियाँ जो होती है, टीवी वाली कंपनी जो होती है ना, वो 2 से 3 साल के बाद में अपडेट रेगुलरली पुश नहीं करती, तो ऐसे में एंड्रॉयड प्ले सर्विसेज काम नहीं करती। तो जो भी OTT जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम हो या फिर नेटफ्लिक्स हो या फिर यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन भी नहीं चल पाते। ऐसे में हमें अगर इसे स्मार्ट बनाना है, सभी कुछ ऑनलाइन सर्च करना है या फिर जो भी कुछ ऑनलाइन कॉन्टेंट देखना है, तो ऐसे में हमें एक टीवी स्टिक बाय करना पड़ता है, जिसे हम टीवी स्टिक भी बोलते हैं, और अमेज़ॉन का एक फायर स्टिक भी आता है। तो मेरे पास में मी का टीवी स्टिक है, तो ऐसे ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, आप कोई भी बाय कर सकते हो। तो मेरे पास में ये था, मैंने इसे बाय किया था मेरे टीवी को स्मार्ट बनाने के लिए, तो सोचा कि आपके लिए एक रिव्यू बना दूँ ताकि आप भी ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो तो आपको एक हेल्प हो जाए, ताकि आप भी सही से एक अच्छे से प्रोडक्ट बाय कर पाओ। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे कनेक्ट करते हैं, साथ ही में इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कितनी GB की रैम है, क्या है, सब कुछ बताऊंगा। साथ ही में क्या क्या नए फीचर्स है, कैसे कनेक्ट करते हैं, सब कुछ बताऊंगा कि ये कैसे यूज़फुल है या बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। ओके, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और अच्छे लगे तो लाइक करना। आप मी टीवी स्टिक के बॉक्स को अनबॉक्स करोगे तो उसके बाद में आपको सबसे पहले देखने मिलता है ये छोटा सा मी टीवी स्टिक, जिसके ऊपर मी की ब्रांडिंग है, और ऊपर बाजू आप देख सकते हो ये HDMI का पोर्ट आपको देखने मिलता है, जो कि डायरेक्टली टीवी के HDMI पोर्ट के साथ में कनेक्ट हो जाता है। इसका वेट लगभग 26 ग्राम के आसपास है, और इसे चार्जिंग करने के लिए माइक्रो USB पोर्ट आपको देखने मिलता है। ओके, और यहाँ पे एक छोटी सी LED लाइट है जो कि व्हाइट कलर में है, और ये कंटिन्यूसली चालू रहती है जब भी ये ऑन आप करोगे तो। ओके, अब इसमें कुछ खासियत ये है कि यानी कि इसमें आपको देखने मिलता है DTS Dolby सपोर्ट भी है, साथ में 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर भी है इसके अंदर, आपको Chromecast इनबिल्ट है, और गूगल असिस्टेंट वॉइस जो है वो आपको इसमें देखने मिल जाता है। इसमें 1 GB की रैम है और 8 GB की स्टोरेज आपको देखने मिलती है। ओके, इसकी प्राइस लगभग 2800 रुपये के आसपास है। आपको देखने मिलता है एक छोटा सा हल्का सा पतला सा रिमोट, और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसमें आपको बैटरीज देखने नहीं मिलती। ओके, तो ये आप अलग से डाल सकते हो। ओके, अब रही बात इसके बटन्स की, तो सभी रबराइज बटन है और ऐसे कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती, और इजीली ये प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन देखने मिलते हैं जो कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम का है। वॉल्यूम अप एंड डाउन की आपको देखने मिलती है कीज़। ओके, ये मेनू बटन है, ये बैक बटन है। ओके, जैसे आप इसे ओपन करोगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको अगर बैक जाना हो तो आप इससे बैक जा सकते हो, और ये होम बटन है। ओके, और ये जो आपको सर्कल देखने मिलता है, तो ये इससे आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सब कुछ इससे हम मैनेज कर सकते हैं। ये पावर बटन है जिससे ये बंद हो जाता है मी टीवी स्टिक, और ये वॉइस असिस्टेंट है जिसके थ्रू आप जो है वो सर्च कर सकते हो वॉइस के थ्रू। ओके, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो ये छोटा सा रिमोट है, और इसके अंदर आपको जो है बैटरी डालनी पड़ेगी। ओके, तो ये रिमोट के बाद में आपको देखने मिलता है छोटा सा चार्जर, जो कि बहुत ही छोटा सा है, 5 वाट का चार्जर है, और अगर आपको इसे लगाना है टीवी स्टिक को, तो कंटिन्यूसली आपको इससे ऑन करके रखना पड़ेगा। अगर आप इसको बंद करते हो, चार्जिंग बंद करते हो, तो ये फिर बंद हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब इसके बाद में इसको जो केबल मिलती है वो है केबल सिंपल सी, जो कि माइक्रो USB केबल है। ओके, और ये इसके साथ में अटैच हो जाती है। चलिए अब इसके सेटअप तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो अभी हम आ चुके हैं टीवी के पीछे के साइड तरफ, जहाँ पे होता है HDMI पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें मी टीवी स्टिक को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे दिक्कत बहुत सारी आती है बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों का टीवी जो होता है वो नॉन स्मार्ट होता है, बहुत से ओल्ड टीवी होते हैं 3-4 साल पहले के, तो यहाँ पे इस पोर्शन में तकलीफ आती है। तो ये टीवी स्टिक थोड़ा बड़ा है, हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ओके, तो ये कनेक्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्शन है बहुत छोटा है, और मी टीवी स्टिक बहुत बड़ा होता है। HDMI 2 हो या फिर 1 हो, इसमें एडजस्ट नहीं हो पाता। ओके, तो हमें करना क्या है कि हमें सिंपल से एक कनेक्टर बाय करना है, जो कि होता है HDMI 2 OTG कनेक्टर। ओके, इसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप जाके चेक कर लेना, तो आप इसे अमेज़न से बाय कर सकते हो। ये सिर्फ 300 या 400 में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अगर इसे ऑफलाइन बाय करते हो आपको ये मिलेगा नहीं, लेकिन कंप्यूटर शॉप में आपको ये मिल सकता है, तो आपको सिर्फ ये मात्र 50 से 100 रुपये में मिल जाएगा। ओके, आपको सिंपल से इसमें कनेक्ट करना है। ये देखिए, ओके, ये देखिए कनेक्ट हो चुका है इजीली। अब हम इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ओके, चलिए, अब ये कनेक्ट हो चुका है बिल्कुल इजी तरीके से। अभी हम इसको चार्ज पे लगाते हैं और फिर आपको बिल्कुल टीवी स्टार्ट करके दिखाते हैं। ओके, चलिए, तो अभी हमने इसे स्टार्ट कर लिया है, बस ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको टीवी स्टार्ट करनी है, पीछे कनेक्ट करना है HDMI पोर्ट के अंदर मी टीवी स्टिक को, उसके बाद में आपको इसे चार्जिंग को लगाना है, और ये बिल्कुल ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो इसके बाद में हम इसके इंटरफेस के अंदर जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये रहे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, क्रोम कास्ट है। इसमें आपको इनबिल्ट क्रोम कास्ट देखने मिलता है और वॉइस असिस्टेंट भी है गूगल का। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी कुछ यहाँ पे आपको इनबिल्ट देखने मिलता है। ओके, डिज्नी हॉटस्टार भी है और प्राइम वीडियोज़ भी है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर जाके। बिल्कुल कंप्लीट तरीके से स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्ले स्टोर। ओके, तो हमें जाना है सबसे पहले ऐप्स के अंदर। ओके, ये रहा ऐप्स। ओके, तो जैसे हम ऐप्स में जाने वाले हैं, ये रहा ऐप्स। इसको ओपन करते ही यहाँ पे ऊपर देखने मिलेगा आपको गेट मोर ऐप्स, यानी कि यह है प्ले स्टोर। जैसे हम प्ले स्टोर पर जाते हैं तो हमें सभी एप्लीकेशन देखने मिल जाते हैं जो कि हमें डाउनलोड करना है। आप देख सकते हो गेम्स, ऐप्स और माई एप्लीकेशन। ओके, और गेम्स में आप जाते हो तो आपको देख सकते हो सभी गेम्स है। आपको अस्पार्ट 8 का भी गेम देखने मिलता है, लेकिन आप इसमें गेमिंग करोगे तो आपको इतना अच्छा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 1 GB की रैम है। तो आप छोटे मोटे जो गेम है जो कि बस 200 300 MB के है, उससे भी कम वाले हो तो आप अच्छे से खेल सकते हो। लेकिन 1 GB और 1.5 GB का गेम अगर आप खेलते हो तो फिर आपको यहाँ पे बहुत लैग करके चलेगा। तो ऐसे में इसके साथ में ब्लूटूथ कंसोल भी कनेक्ट होता है, तो उसके साथ भी आप खेल सकते हो। लेकिन गेमिंग के लिए ये डिवाइस मुझे लगता है इतना प्रॉपर, इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है, क्योंकि 1 GB की रैम है और 8 GB की स्टोरेज है, तो इसमें आप क्या ही कुछ गेमिंग कर लोगे। ओके, तो गेमिंग और सभी कुछ ऐप्स आपको इसमें देखने मिलते हैं। जो ऐप्स आपको प्ले स्टोर से देखने नहीं मिलते, आप उन्हें थर्ड पार्टी सोर्स के साथ भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो ये रहा प्ले स्टोर का एक हिस्सा। तो अभी हम इसके गूगल असिस्टेंट को, यानी कि वॉइस सर्च को देखते हैं, ट्राई करके फास्ट है या स्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमोट के ऊपर आपको देखने मिलता है अलग से बटन, जो कि गूगल असिस्टेंट का। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं हमारे सिटी का वेदर। ओके, करंट वेदर इन जलगांव सिटी, तो इसने ले लिया है। देखिए, करंटली इन जलगांव इट्स 27 डिग्रीज एंड क्लियर। टुनाइट द फोरकास्ट इज फॉर अ हाई ऑफ 28 एंड अ लो ऑफ 18 एंड क्लियर। तो ये अच्छे से काम करता है, फास्ट है। अगर मुझे वीडियोस के अंदर जाकर के सर्च करना है यूट्यूब के अंदर, तो वो भी हो जाता है। तो मुझे जाना होगा यूट्यूब के अंदर। जैसे मैं जाता हूँ यूट्यूब के अंदर, ये मैंने किया यूट्यूब में एंटर। तो अभी मुझे कोई भी वीडियो सॉन्ग जो है ना वो सर्च करना है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे यूट्यूब में आने के बाद मैं सिंपल से इस बटन को प्रेस करूँगा। ओके, किन्ना सोना, और ये सॉन्ग वो आ जाएगा। देखिए ये नीचे आ चुका है। तो आप बहुत ही आसानी से इसके साथ में वॉइस सर्च को भी इनेबल, यानी इनेबल तो हो ही चुका है, तो आप इसे बहुत आसानी से इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है। ओके, वीडियो क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और रही बात इसके साउंड की, तो मैंने इसको बंद कर रखा है क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसलिए। लेकिन इसका साउंड आउटपुट अच्छा है। और रही बात ये फुल HD के ऊपर भी यहाँ पे चलता है, यानी कि सपोर्ट करता है इसके रिजोल्यूशन के साथ में। तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी अच्छी है और साउंड भी आउटपुट अच्छा है। तो ये था इसका अच्छा वाला फीचर्स। अब हम इसके सेटिंग में जाते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ आपको देखने मिलता है। ओके, तो ये तो आपको देख लिया, आपने देख ही लिया डाटा सेवर है। इसके बाद में हम जाते हैं सेटिंग्स में। ये आप देख सकते हो सेटिंग है। ओके, इसमें जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो यहाँ पे हम किसी भी हॉटस्पॉट के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये डाटा सेवर भी नीचे ऑन है, तो हमने इसे कनेक्ट कर रखा है मेरे दूसरे फ़ोन के हॉटस्पॉट के साथ में। यहाँ पे आपको अकाउंट लॉगिन करना है। अगर आप अकाउंट लॉगिन नहीं करते हो तो आप प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, ये तो आपको पता ही। ओके, इसके बाद में आप जाते हो ऐप्स के अंदर, तो यहाँ पे परमिशन वगैरह का कुछ है यहाँ पे, तो परमिशन आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐप को कौन कौन सी परमिशन ऑलरेडी दे रखी है। यही होता है फंडा, सब कुछ आपने फ़ोन में देखा होगा वैसे ही काम करता है। उसके बाद में आपको देखने मिलता है डिवाइस प्रीफ्रेंसेस। तो यहाँ पे आप जाने के बाद में आपको देखने मिलता है अबाउट। अबाउट में आपको देखने मिलता है सिस्टम अपडेट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये जो मी टीवी स्टिक है उसको कोई अपडेट है या नहीं, तो यहाँ पे आप चेक करके उस अपडेट को कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम, तो अभी हम बैक जाते हैं। इसके बाद में आपको डिवाइस नेम रिस्टार्ट आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको देखने मिलता है मॉडल वर्जन 9 Pi के ऊपर ये रन कर रहा है। उसके बाद में आप देख सकते हो कर्नल वर्जन कौन सा है, बिल्ड, ये भी सब कुछ आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम एंड डेट भी यहाँ पे आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप लैंग्वेज अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद में कीबोर्ड के अंदर भी आप चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले मोड में आप 1080p 60Hz, 1080p 50Hz, उसके बाद में 720p 60Hz। तो यहाँ पे आप अलग अलग जो है वो सेट कर सकते हो। और आपको नहीं पता कि कौन सा करना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे स्विच टू रिकमेंडेड टीवी के ऊपर कर दीजिए, तो आपकी टीवी जो भी लेगा रेजोल्यूशन वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ओके, कलर डेप्थ में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। कलर स्पेस RGB को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, RGB या फिर YCB जो भी है वो, तो ये मुझे नहीं पता लेकिन ये ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं। ओके, और रही बात यहाँ पे और एक ऑप्शन है स्क्रीन पोजिशन का, तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको देखने मिलता है, ये भी आप कर सकते हो। आप नीचे जाते हो तो ये HDMI CEC, मुझे नहीं पता ये क्या है,
लेकिन ये आपको देखने मिलता है ऑप्शन, अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताना कमेंट में। अब ये है साउंड, साउंड में जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है सिस्टम साउंड, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो और इससे हो सकता है कि साउंड का कुछ आउटपुट यहाँ पे चेंज हो जाए। उसके बाद में आपको देखने मिलता है डॉल्बी डिजिटल, तो मैंने इसे ऑन कर रखा है। उसके बाद में आपको देखने मिलता है डॉल्बी डिजिटल प्लस भी, आप इसको ऑन रख सकते हो। उसके बाद में आपको DTS, AAC बहुत से फॉर्मेट देखने मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से ऑडियो का आउटपुट जो है वो सेट कर सकते हो। ओके, इसके बाद में आपको देखने मिलता है स्टोरेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोरेज कितनी है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से ऐप्स आपने इंस्टॉल कर रखे, और उसके बाद में आपके फ़ोन में नहीं सॉरी टीवी के अंदर, यानी कि उस डिवाइस के अंदर कितने कैचे हैं, तो उसे आप क्लियर भी कर सकते हो। आप क्लियर करोगे तो आपके कैचे क्लियर हो जाते हैं। ओके, अवेलेबल कितना है इसके अंदर स्टोरेज इस डिवाइस के अंदर, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद में आप नीचे जा सकते हो, होम स्क्रीन के ऊपर गूगल असिस्टेंट का मेन्यू है, यहाँ पर आप जा कर के इसमें भी कुछ सेटिंग्स वगैरह वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद में आपको देखने मिलता है स्क्रीन सेवर, लोकेशन, यूजर्स एंड डायग्नोस्टिक्स, साथ में सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे होता है, अननोन सोर्स वगैरह यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए वो होता है ना, आपको पता है मोबाइल फ़ोन में भी होता है। ओके, थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए काम में आता है ये, तो यहाँ पे होती है एक्सेसिबिलिटी, उसके बाद में रिस्टार्ट, तो रिसेट। ओके, तो रिसेट भी कर सकते हो इसको। तो ये ओवरऑल ऐसे सभी फीचर्स मिलते हैं जो कि सब कुछ आपको स्मार्टफोन में देखने मिलते हैं, वैसे ही किसी एंड्रॉयड फ़ोन में देखने मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपका टीवी भी एंड्रॉयड हो जाता है। रिमोट एंड एक्सेसरीज के अंदर आपको ये कनेक्शन का आपको देखने मिलता है, यानी कि आप यहाँ से ब्लूटूथ डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि ब्लूटूथ ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ कंसोल गेमिंग खेलने के लिए वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुल मिला के इस तरह से ये काम करता है, और यहाँ पे आपका जो इंटरफेस है वो बहुत हद तक यहाँ पे बिल्कुल एंड्रॉयड की जैसे हो जाता है, और आप सभी OTT जो एप्लीकेशन है जैसे कि प्राइम वगैरह या फिर डिज्नी हॉटस्टार वगैरह सभी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। हाँ, आपको जो इसका जो सब्सक्रिप्शन है ना वो अलग से लेना पड़ता है, वो इसके अंदर नहीं आता, तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसके अंदर आपको YouTube वगैरह जो भी जो फ्री वाले प्लेटफॉर्म है वो तो फ्री मिलने वाले हैं, लेकिन जिनके पेड आपको करना पड़ता है उनके तो आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। ओके, तो आपको इसमें क्रोमकास्ट भी देखने मिलता है, तो आप YouTube के अंदर आपको ऊपर देखने मिलता है क्रोमकास्ट का एक बटन, तो आप वहाँ से आपका जो डाटा है यानी कि जो भी वीडियोज़ वगैरह है वो आप इसमें क्रोमकास्ट ईजिली कर सकते हो, क्योंकि इसमें इनबिल्ट क्रोमकास्ट भी है। ओके, तो ये बहुत ही कमाल का डिवाइस है, तो ऐसे नहीं कि कोई स्पॉन्सर वीडियो है, तो आप Amazon TV Stick भी ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो आप भी अपने नॉन स्मार्ट TV को स्मार्ट बनाना चाहते हो तो ये डिवाइस आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप कोई भी ले लीजिए। लेकिन मेरे पास में ये था Mi TV Stick, तो मैंने आपको बताया कि कैसे काम करता है, कैसे कनेक्ट आप कर सकते हो और इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको मैं अगर स्टार देना चाहूँ, अगर मेरे हिसाब से तो 10 में से कम मैं 7 स्टार तो दे सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलती। हाँ, ये डिवाइस जो है वो प्राइस के हिसाब से बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करा देता है, लेकिन गेमिंग वगैरह आप इसमें खेल नहीं सकते क्योंकि बहुत ही कम रैम है और ये इतना कैपेबल भी नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ग्रेट डिवाइस है, अगर आप अपने नॉन स्मार्ट TV को स्मार्ट बनाना चाहते हो, नया स्मार्ट TV नहीं खरीदना चाहते, तो आपको बस 2800 में यानी लगभग 3000 से कम प्राइस में आपका TV स्मार्ट हो जाता है और आप सब कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।